दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज पटवा, राजस्थान पुलिस और रीट के लिए मैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, ध्वनि का मापन होता है तो ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की विकृति की किसके कारण होती है? तो हड्डियाँ होती है वो फ्लोराइड के कारण विकृत हो जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर सोरोसिस बीमारी किस धातु के प्रभाव से हुई? तो दोस्तों ये लेड अर्थात शीशे के प्रभाव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में मिनीमाटा बीमारी किस धातु के प्रभाव से हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये मिनीमाटा पारा के द्वारा होती है, जिसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेजीरम, प्रतीक होता है HG। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट मल में किस रोग के जीवाणु होंगे? तो वाइट मल में अधिकांशतः टाइफाइड के जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू अवशिष्ट पदार्थ युक्त मलिन बहिस्राव कहलाता है, तो ये मलिन जल कहलाता है, मलिन का मतलब गंदा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है तो ओजोन नहीं घुलती है, इथाइलिन भी नहीं घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो घुलनशील अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को कोलाइडी पदार्थ बनाते हैं, जल में कोलाइडी पदार्थ मिल जाते हैं तो वो धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि है? तो संवेग सदिश होता है, वेग भी सदिश होता है, कोणीय संवेग भी सदिश होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। अब देखो सदिश राशि दोस्तों वो होती है जिसमें जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो चेचक का टीका था उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट में होती है ऑर्गन और उसके साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो भूरी क्रांति होती है वो उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार यानी उद्गम के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गम होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो उसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये तो सही है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ये भी सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट होता है, उससे क्वार्टज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है और उसका जो प्रतीक होता है वो होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है? तो दोस्तों ये भंजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो कहलाते हैं ओस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस या अमीबियोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है वो एंट अमीबा स्टोलाइटिका होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।